सुमेरपुर विधायक कुमावत ने विधायक कोष से ऑक्सीजन सिलेंडर बांगड़ अस्पताल को सौंपे। पाली जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण मरीजों को लेकर उपचार के लिए ऑक्सीजन की कमी नहीं हो, इसके लिए सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत ने पाली पहुंच बांगड़ अस्पताल प्रशासन को ऑक्सीजन सिलेंडर प्रशासन को सौंपे। सुमेरपुर विधायक कुमावत ने बताया कि प्रदेश भर सहित जिले भर में बढ़ रहे कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन की समस्या नहीं आए, इसको लेकर मैंने अपने विधायक कोष से ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पताल प्रशासन को भेंट किए। मैं कोरोना की महामारी गंभीर रूप से है और महावीर भांगड़ हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की थोड़ी पिछली बार मैं जब निरीक्षण में आया था ऑक्सीजन की कमी थी, उस कमी को देखते हुए पीएमओ साहब से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ ऑक्सीजन के सिलेंडर यदि मिल जाए तो परमानेंट व्यवस्था हो जाएगी, इसलिए मैंने 10 लाख रुपये उसमें घोषणा की थी और 10 लाख रुपए की आज सिलेंडर ये खरीद करके ये पीएमओ साहब को सुपुर्द किए। निश्चित रूप से ये हॉस्पिटल में पूरे पाली जिले के लोगों के काम आएंगे। कोरोना काल में अभी तक कितने रुपये तक का फंड आपने विधानसभा में दे चुके हैं? कोरोना काल में विधायक कोष से भी हमने करीबन 20-25 लाख रुपये दिए और विभिन्न जगह सुमेरपुर हॉस्पिटल में और यहाँ और भामाशाहों से खूब फंड दिलवाया और निश्चित रूप से अभी व्यवस्थाएं थोड़ी सुधर गई है। आपके विधानसभा में कितने अस्पताल या छोटे अस्पताल बंद पड़े हैं या कितने स्टाफ की कमी है आपके यहाँ पर? मेरे विधानसभा में 20 सब सेंटर तो बिल्कुल ही बंद पड़े हैं, जहाँ हॉस्पिटल में एक भी स्टाफ नहीं है, ANM भी नहीं है, बाकी जगह व्यवस्थित है, लेकिन CSC पे जो डॉक्टर है 3-4 CSC ऐसे जहाँ वहाँ 15 डॉक्टरों के पद रिक्त हैं।